मेहरान साहब नमस्कार। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। मैडम अपर्णा नेगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं, हमारे स्पीकर्स दोनों जुड़ चुके हैं। लेट्स बिगिन विद द प्रोसीडिंग्स। आज के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हम दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए आज कोशिश करेंगे एक दूसरे की बात को समझने की, अंग्रेजी और हिंदी संस्कृत जैसे हम कहते हैं, उसमें हम किस तरह से एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं ताकि हमारी परसेप्शन, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ एक बेसिक जो नॉलेज के इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में हमारी किस तरह से परसेप्शन वाइडर भी हो और गहरी भी हो। तो इस बार सारी बात को समझने के लिए आज का ये वेबिनार है और इसमें हमारे दोनों जो मुख्य वक्ता हैं, रिसोर्स पर्सन्स हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं और उन दोनों का हम स्वागत करते हैं और बीच में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा परिचय कराऊंगा। लगभग 1.5 घंटा चलने वाले इस सारी परिचर्चा में दो पक्ष, एक पक्ष जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन का है उसमें हम वेलबींग को किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं, और दूसरा हमारा जो पक्ष है जो मॉडर्न इकोनॉमिक सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट के माध्यम से हमारे सामने उभर कर आ रहा है और सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट जिस तरह से इन इश्यूज को डील करने की और रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है उसको भी हम देखने और समझने की कोशिश करें। जैसा कि आप, और समय क्योंकि थोड़ा सीमित है और मुझे पता लगा है कि मैडम झरना पांड्या जी का एक मीटिंग भी है, तो इसलिए आई विल बी वेरी वेरी ब्रीफ विद माय प्रेजेंटेशन और उसके बाद फिर आप लोगों के साथ जो है रिसोर्स पर्सन जो हैं अपनी बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग जो भी ओपन हाउस डिस्कशन है उसको हम लेंगे। सामान्य रूप से क्योंकि मैं संस्कृत से हूँ इसलिए मैं पर्सपेक्टिव से आप लोगों की सारी बात को समझने की कोशिश करूंगा और इस बात का आप विश्वास रख सकते हैं कि संस्कृत विभाग, संस्कृत डिपार्टमेंट जो है वो इन सब विषयों से किसी न किसी रूप में परिचित है। तो दो बातें यहाँ पर आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं। एक तो ये है कि जो हम अपने इंडियन ट्रेडिशन में जो शब्द प्रयोग करते हैं वेलबींग के लिए वो है स्वस्ति, कल्याण, मंगल, कुशल क्षेम, इस तरह के शब्द हैं, भद्र है शब्द, लेकिन इनका हम उपयोग नहीं करते क्योंकि सोशल साइंसेस के जो रेफरेंस पॉइंट हैं वो कुछ और हैं और जो इंडियन ट्रेडिशन के रेफरेंस पॉइंट हैं कुछ और हैं। लेकिन फिर जो कुछ भी अर्थ इनके हों और हम जब ये मान रहे हैं कि ये दोनों आपस में एक समान किसी विचार को बताते हैं तो हमारे सामने इस वक्त जो चुनौती है वो है कि हम स्ट्रेटेजी क्या बनाएं वेलबींग के लिए और वो स्ट्रेटेजी जो है वो पोटेंट भी हो, इस बात को हम ध्यान में रख करके आगे की सारी बातचीत को समझेंगे। अब संस्कृत के एंगल, संस्कृत डिपार्टमेंट के एंगल से अगर आप देखें तो वेलफेयर के पैराडाइम्स हैं या दो अंडर करंट्स रहे हैं जो पढ़ाए जाते हैं और समझे जाते हैं प्रैक्टिस में है। एक तो है उसमें ग्रीक वे। ग्रीक वे का मतलब है कि आपने अचीवमेंट्स क्या की हैं, अगर आप उनकी माइथोलॉजी को देखें, उनकी फिलोसफी को देखें तो वहाँ गॉड्स और आदमी के बीच में, मैन के बीच में एक संघर्ष है और उसमें से आदमी जो है वो किस तरह से अचीवमेंट जाता है वो एक वेलबींग के लिए है। और आप सारी की सारी उनकी माइथोलॉजी देखें तो सारे आदमी का जो संघर्ष देवताओं के साथ है, गॉड्स के साथ है, वो वेलबींग के लिए है। दूसरा जो अंडर करंट है वो है अब्राहमिक वे, जिसमें आपको एक लीडर मिलता है जो आपको कहता है कि यू फॉलो माई डिसिप्लिन, यू फॉलो माई कमांड्स एंड आई विल लीड यू टू द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। तो सोशल साइंसेस में और मैनेजमेंट में जो आप देखेंगे वो इन दो पैराडाइम के बीच में सारे का सारा डिवेलप हुआ है। लेकिन तीसरा जो संस्कृतिस्ट परसेप्शन है वे है इस
सारे वेल्बींग को देखने और समझने का, वो केवल है परसेप्शन, हाउ टू लुक एट द थिंग्स, और वो क्या है उसको मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करके फिर उसके बाद आपका आज के रिसोर्स पर्सन से परिचय कराऊंगा। संस्कृत के एंगल से दो सारा संसार दो भाषाओं में बंटा हुआ है, एक है एग्रीकल्चर लैंग्वेज और दूसरा है कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल बेस। मैं इसमें ज्यादा नहीं चाह रहा, आई विल बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस। एग्रीकल्चर जो लैंग्वेज कल्चर है वहां से एक प्रिंसिपल जो आउटलुक है उसके बारे में बात ज्यादा रहती है अगर आप उन भाषाओं को पढ़ें, उस कल्चर को देखें। लेकिन कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से जब आप इन लोगों को देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें गुड एंड स्मार्ट रिक्वायर्ड, क्योंकि वहीं से इंडस्ट्री और हमारा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहीं से चल सकता है। और इन सब बाकी जितने बीच की चीजें हैं उनको जोड़ करके लास्ट में मैं आ रहा हूँ कि ऊपर वेलबींग से आप इसको देखिए, इस सारे सोशल साइंस में या सोशल जो भी हमारा साइंस डेवलप हो रही है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, उसको हम किस तरह से पैदा करें, सेंसिबल बनाए, क्योंकि ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन के कारण हमें आज वेलबींग के बारे में सोचना पड़ रहा है। और वो वेलबींग जो है वो दो चीजों के बीच में आपको बांधना पड़ेगा, वो है कि दिस मच एंड नो मोर। कहीं ना कहीं आपको ये सेंस सीखनी होगी, अदरवाइज हम लोग जो है वो वेलबींग की ओर नहीं चल सकते। और जैसे कि हालात हम देख ही रहे हैं कि जिस तरह का धरती का हमने शोषण किया है और धरती के हालात किए हैं, वो सारी चीजें आप जानते हैं। इसके साथ में जो हमारे वक्ता और जितने हमारे साथ श्रोता पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनके लिए दो तीन बातें रख रहा हूँ प्रश्न के लिए, और फिर उसके बाद स्पीकर्स को इनवाइट करूँगा। देखिए यहाँ पर वेलबींग के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो है जो लिटरेचर में सोशलिज्म कैपिटलिज्म कम्युनिज्म वगैरह वगैरह, ये एक पक्ष है आपका। दूसरी तरफ आपका जो पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी वगैरह वगैरह के, ये हैं। लेकिन ट्रेडिशनली आपसे वो सवाल ये करते हैं, ट्रेडिशन में जो उपनिषद जिसे हम कहते हैं कि व्हाट इज प्रेफरेबल फॉर यू एंड व्हाट इज प्लेयरेबल फॉर यू, यू हैव टू मेक ए चॉइस। अब निर्भर आप पे करता है, यू मेक ए कॉन्शियस चॉइस और यू मेक अ कॉम्प्लेक्स चॉइस। तो सारे के सारा वेलबींग का कॉन्सेप्ट जो है वो एज ए डूअर इंजॉयर और नोअर के कॉन्टेक्स्ट में यही है कि व्हाट इज प्रेफरेबल एंड व्हाट इज प्लेयरेबल, यू हैव टू मेक ए चॉइस। और इसी दौरान चार ये सवाल हैं, इसको आप देख सकते हैं, मैं ज्यादा इसमें नहीं जा रहा कि देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट, ये इसकी जस्टिफिकेशन है इस सारे वेबिनार की। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट अवर प्रेजेंट डे जनरेशन इज मोस्ट कंफर्टेबल फैसिलिटी वाइज एंड टेक्नोलॉजी वाइज, बट कैन बी क्लेम टू बी हैप्पीएस्ट एवर जनरेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। एंड सेकेंड क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस वेबिनार, बट इज द फॉर्म एंड एसेंस ऑफ अवर वेलबींग और हैप्पीनेस। तो ये दो बेसिक फंडामेंटल सवाल हैं जिनको हम डील करने की कोशिश करेंगे, बाकी दो सवाल आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा समय मैं बचाना चाहता हूँ इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा। इन सवालों को किस तरह से हम समझते हैं और किस तरह से इसको हमारे रिसोर्स पर्सन हमारे साथ हैंडल करेंगे उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारी परसेप्शन हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो वाइडर भी हो और गहरी भी हो, तो उसके लिए हमारे दो रिसोर्स पर्सन हैं, डॉक्टर झरना पांड्या जी जो सीनियर मैनेजर एचआर हैं सविता ऑयल टेक्नोलॉजी लिमिटेड मुंबई में, बिल्कुल प्रैक्टिकल हैंड हैं और बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ खुद डील कर रही हैं, और ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि किस तरह से वेलबींग मेंटेन रहे, लोग सुखी रहें, खुश रहें और प्रॉफिट भी साथ साथ मेंटेन रहे। सेकेंड रिसोर्स पर्सन हमारी जो हैं डॉक्टर प्रोफेसर अपर्णा नेगी जी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से। बहुत लंबा कैरियर है उनका, बहुत एकेडमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका कैरियर है, बहुत सारे पीएचडीज रिसर्च पेपर्स ये सब चीज़ें हमारे साथ हैं। और उसके बाद दोनों वक्ताओं के लगभग 30-30 मिनट बोलने के बाद वील हैव ओपन हाउस डिस्कशन, और यदि किसी ने कोई पेपर प्रेजेंट करना होगा तो वो भी हम करेंगे। एंड लास्ट जो है वोट ऑफ थैंक्स रहेगा डॉक्टर कामनी खन्ना का, जिनकी वजह से ये हम आज का जो वेबिनार कर पा रहे हैं। इन दोनों वक्ताओं के साथ
आप ये साइड में देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर वेल के बहुत सारे सिंबल्स हैं अलग अलग तरह से, लेकिन हम लोग उनको कभी रिलेट नहीं कर पाते। वो उनको केवल एक रिलीजियस सेंस में जानते और समझते हैं, लेकिन कभी भी हमने उनको सोशल साइंसेस की दृष्टि से नहीं देखने समझने की कोशिश की। तो लेटर पीरियड में हम इन पे भी बात करेंगे। तो नाउ आई इनवाइट डॉक्टर झरना पांड्या जी, सीनियर मैनेजर एचआर सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड मुंबई, टू प्रेजेंट हर व्यूज एंड शेयर हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक विद अस। Thank you, Ashutosh. जी Thank you, sir. And good morning, everyone. Good morning. Yeah, thank you for giving me this opportunity to talk about well-being in 21st century. As sir Ashutosh sir has just taken us through the presentation, talking about well-being. Well-being means what? It is nothing but a state in which you are comfortable or you are happy, right? So when we talk about well-being, well-being is a very big topic which we are talking about today, day in and out. There are different dimensions of well-being which sir took through, but in that there were two, three more which I would like to add, which is the environmental well-being, occupational well-being. So if you go to see broadly, there are physical, mental, emotional, social, occupational, financial, and environmental well-being. So when we talk about all this well-being, this all together are interconnected. And why we are talking about the challenges and issues in the 21st century, let me take you through this scenario where we all have faced current changes. Like last 1 year back when this pandemic started, what was the scenario? Every one of us were like, how are we going to cope up with this change? Because there was a change in the environmental which happened, and that how it started affecting our well-being, right? So what I am going to focus today is about the mental and emotional well-being, how it affected us. I am going to talk about that in detail today. When we talk about emotional and mental well-being, it's very important today in the 21st century when the changes are happening. We are hearing from people that people are into depression. You must have seen many people who have committed suicide during this lockdown period because of many losses. So what I'm trying to say is that when in the 21st century, the changes which are going to happen, they are very unpredictable. They are very unprecedented. We say that we are working in a VUCA environment, which is very volatile, which is very complex. So when we are in this complex environment, what is a major challenge which we have today? Because we are not able to cope up with that changes. And that is where we have that kind of emotional feeling of fear, uncertainty in our minds, right? So let me tell you one thing, why this change has started coming in. Have you heard about, let me ask you one thing, that before say around 50, 70 years back, any company, if launched a product, it would take them years and years to reach to the million users. So if, say for example, an aeroplane, it took 68 years to reach to 50 million users. But today when you talk about Arogya Setu app, it was hardly 13 days. It took 13 days for reaching to this 50 million users. What I'm trying to say from this is that the change which is happening, it is the speed at which the change and the speed and complexity with which this change is happening. And when this change is happening, it is very, very important for human beings also to adapt to these changes. But let me take you through the human evolution, where change and human evolution has a very, very detailed experience. Let us go back to the evolution times. When human beings were like, say, we had, there is a very big body-mind relationship which has happened, and how brain and body has evolved from the past experiences. So we all know that our ancestors, we have evolved. So we all were apes before, and that is how the entire evolution of human beings has started. So when let me tell you one thing, that human being is only one species in the entire this who has survived through all the changes which has happened,
Now, when we talk about the Homo sapiens and the Homo erectus, I'm not going to use that big words, but what I'm trying to say is that when initially humans were evolved, taking to the Homo erectus part, there were changes which are happening in the body. Changes which were happening in the body were, during that time, there was no thumb. There were only four fingers on which, and there were not much movements of hands which were happening. So what used to happen is that people use whatever they used to get, they used to eat. They were not able to work. They were not able to use their hand completely. During that time, then there were lots of environmental changes happened. There were lots of social changes which happened. And on that basis, the development of your thumb came up. Along with the body, mind also started developing, right? That is the brain. So now what happened was that when this thumb started, there were lots of changes. That is why we say that in the Homo sapiens, that is in the next generation, this thumb started developing. And this thumb, when this thumb came, that was a thumb in that was called as evolution in revolution. And when this started developing, what was the thing which people used to do is they were able to use their hands completely because there were different types of grips which were available. And with that, they started preparing instruments. And then the hunting started. Then there were like people started staying in the groups. And that is how the social and the cultural challenges which changes started coming up. Now, what happened was during that time, there was lots of challenges which people face in terms of survival. Because the way the things were changing, there were three paths which they had was, there were three options which were always available, three biological threats what we talk about, that is the fight, flight and freeze. When there are 100 people, when they started staying in the groups and then they started dividing it into like who is going to be a leader, who is going to be a person, and that is how that entire, what we say that pehle ke zamane mein log toli mein rehte the aur us tarah se apna work divide karna, that is how division of work started. Now, when this division of work started, what happened was a flight fright responses jo hai logo ke wo hamare biological challenges rahe hain जो हमारे में इनबिल्ट है. अभी फ्लाइट फ्लाइट और ये जो रिस्पॉन्सेस आए उससे हमारी जो इमोशंस जो डेवलप हुए वो नेगेटिव इमोशंस डेवलप हुए ज्यादातर, क्योंकि तभी वी स्टार्टेड रियलाइजिंग के भाई सर्वाइवल के लिए अगर देयर वाज ऑलवेज अ थ्रेट फॉर सर्वाइवल, क्योंकि उनको कभी लगता था कि कोई आके उनको मार डालेगा. देवर ऑलवेज looking for survival, and there was always a threat of survival for them, and that is how this three major emotions came into individuals. Fight, flight or freeze jo responses jo the, environmental responses jo the, uske basis pe unka anger, depression or anxiety, ye teen hamare emotions develop hue hain, right? Abhi ye teen emotions jo hai wo hamare sath saalon se hai. It is a hardware of our human evolution, we can say. Hamara jo hai wo hardware part hai. Abhi, now when changes started happening, jaise jaise changes hote gaye, waise waise hamara brain bhi develop hota gaya. Aur hamare brain ka kaisa hai ki it is a very beautiful part of the brain, ke brain ke andar hamare jo neurons hai, usko jitna challenges milte hai, jitne usko stimulus milte hai, usse uska development zyada hota hai. Right? So, what happened was, कि जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ते गए उस तरह से आपने देखा रहेगा दो मेजर फील्ड्स जो डेवलप हुई है. हम एक तभी जब भी ब्रेन में से दो मेजर फील्ड्स डेवलप हुई, दैट वाज आर्टिफैक्शन एंड एब्स्ट्रैक्शंस. आर्टिफैक्शन मतलब जो गैजेट्स बनाते हैं, जो आज के टाइम में व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट 21st सेंचुरी डिजिटल एवोल्यूशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन व्हिच टॉक्ड अबाउट आर्टिफिकेशन. एंड द सेकंड पार्ट व्हिच केम अप वाज द एब्स्ट्रैक्शन. Abstraction means psychological aspects. We started understanding what is my self worth, मैं कौन हूँ, और उस basis पे psychology का field develop हुआ, जिसके वजह से we then symbols and languages and everything started developing. So this is how, when we are talking, जैसे हमने अभी देखा रहेगा आज के time में कि digitally हम लोग बहुत evolve हो चुके हैं. Gadgets, artification part में हम बहुत develop हो चुके हैं, but psychological part में हमारा development अभी भी बहुत पीछे है, क्योंकि हमारा ये जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें एवोल्यूशन के पार्ट में जो चेंजेस हमारे
बॉडी और माइंड में आने चाहिए. बॉडी चेंजेस बहुत सारे हमारे इसमें आए, बट द चेंज इन द माइंड बिकॉज ऑफ आवर एवोल्यूशन, द हार्डवेयर विच इज देयर, द नेगेटिव इमोशंस जो है वो हमारे इसमें वो बेस है वो हमारा. तो उसको अगर हमको कोई भी चैलेंजेस आता है, अगर हमको खुश रहना है या हमको हैप्पी रहना है, तो जो हमारे एनवायरमेंटली चैलेंजेस है उसको तो हमको फेस करने पड़ेंगे बिकॉज दैट इज नॉट इन अवर कंट्रोल. तो वो चीज हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं आती. जो चीजें हमारे कंट्रोल में है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. सो नाउ टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? स्ट्रेस मतलब क्या है? स्ट्रेस मतलब यह है कि एनवायरमेंट पे कोई भी चैलेंज आई, आपका एक पर्टिकुलर गोल है. अभी पेंडेमिक का ही एग्जांपल ले लो. पेंडेमिक के पहले हमारी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही थी, हमारा रूटीन एकदम सेट था, तो हमको कोई इश्यू नहीं था. बट जैसे ही हमको हमारे कंफर्ट जोन में से बाहर निकाल के अभी हमको बोला कि नहीं अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग ही होगी, अभी ऑनलाइन सेशंस ही होंगे, अभी लेक्चर्स क्लास लेक्चर्स नहीं होंगे, तो सबसे बड़ी चैलेंज क्या शुरू हो गई? सबसे बड़ी चैलेंजेस ये शुरू हो गई कि जो लोग वी स्टार्टेड अडेप्टिंग अवर सेल्फ टू दिस चेंजेस, के चलो अभी ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है. उसके वजह से क्या हुआ, हमको थोड़ी दिक्कत आई स्टार्टिंग में, बट वी स्टार्टेड अडेप्टिंग अवर सेल्फ टू दैट चैलेंजेस, राइट? तो उसके बेसिस पे स्ट्रेस का मतलब ये है कि अगर हमने कोई भी हमारा गोल जो है वो हमारा गोल, अगर हमने वो पर्टिकुलर चेंज कुछ एनवायरमेंट में आता है और अगर हम उसको अप्रोप्रिएट रिएक्शन देते हैं, अप्रोप्रिएट रिएक्शन मतलब हम उसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से अगर हम उसको समझ के उसको रिएक्ट करें और उसको हम मैनेज किए करें, दैट इज व्हाट वी कॉल एज यू स्ट्रेस कॉन्सेप्ट. बट अगर हमने उसका हाइपो या हाइपर, या तो हमने कुछ रिएक्शन दिया ही नहीं या तो फिर हमने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर लिया वो चीज पे, देन दैट इज डिस्ट्रेस जो स्ट्रेस क्रिएट करता है, ठीक है? सो नाउ व्हेन दिस स्ट्रेस स्टार्ट्स गेटिंग क्रिएटेड इन अस, हमारे बॉडी पे उसका इफेक्ट बहुत होता है. स्ट्रेस जब भी क्रिएट होता है तो हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स जेनरेट होते हैं. अभी जैसे नेगेटिव इमोशंस ले लो, अगर पेंडेमिक में लोगों ने बोला कि अभी लॉकडाउन हो रहा है, देयर इज सडन लॉस ऑफ फैमिली मेंबर और या तो फिर किसी का जॉब चला गया, तो सबसे पहली चीज क्या आएगी? फियर. फियर इज द इमोशन विच गेट्स जेनरेटेड. अगर ये नेगेटिव इमोशन हमारे बॉडी में जेनरेट होता है तो हमारे बॉडी फंक्शंस पे भी बहुत सारा इम्पैक्ट आता है उसका, और साथ में वो हमको बॉडी में वो स्ट्रेस जेनरेट करता है, जिसके वजह से जो स्ट्रेस जेनरेट होता है उससे हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स जेनरेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल. वो हमारे हर नर्व्स बॉडी के हर सेल को वो अफेक्ट करता है, एंड इट इज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप ऑफ बॉडी माइंड. और हम जो करते हैं और जो सोचते हैं उसका असर हमारे इस पे बिहेवियर के ऊपर आता है. वो हमने मेंटल हेल्थ के इसमें देखा है कि थिंकिंग फीलिंग और बिहेवियर, वो तीनों का एक ट्राइंगल है जो तीनों एक साथ में रिलेटेड है. अभी जब भी हम इस तरह की बात करते हैं कि स्ट्रेस जेनरेट होता है, तो स्ट्रेस जब भी जनरेट होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, तो क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में जिसको बोलते हैं इमोशनल कंटेंजन. इमोशनल कंटेंजन मतलब क्या, कि अगर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई को फियर है और अगर वही चीज एनवायरमेंट में यानी लोगों के साथ या क्राउड में अगर वो बांटी, तो सब पैनिक हो जाता है. हमने देखा रहेगा कि अगर किसी ने एक पर्सन ने बोल दिया कि वहां पे बॉम्ब है, तो एवरीवन स्टार्ट्स रनिंग. तो उसका दैट इज हाउ दिस इमोशनल कंटेंजन इज अ प्रोसेस, जो एक चीज है, कॉन्सेप्ट है, जहां पे इमोशंस जो है वो बहुत इमीडिएटली कैच करते हैं. तो ये इमोशनल कंटेंजन को स्टॉप करने के लिए हमको सबसे पहले चीज अपने पे काम करनी पड़ेगी. और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, जब भी हम नेगेटिव इमोशंस के बारे में बात करते हैं, तो आज के तारीख में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज नाउ इमोशंस. जैसे हमने अभी बात किया कि इमोशंस जो नेगेटिव इमोशंस है वो एनवायरमेंट से आते हैं, या पॉजिटिव इमोशंस भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते. बट नाउ जब भी जिस तरह के चैलेंजेस हमको रहते हैं, तो वो चैलेंजेस हम बदल नहीं सकते हैं, और वो चैलेंज अगर हम बदल नहीं सकते हैं तो हमको अपने पे काम करना पड़ेगा. और अपने पे काम करने के लिए व्हाट इज वन थिंग व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इम्प्रूव अवर रेजिलियंस. रेजिलियंस मतलब क्या, हमारी खुद की स्टेमिना, जो हम एक अपना स्टेमिना जो है इनबिल्ट, जो मेंटल स्टेमिना जो बोलते हैं, जिसको हम बढ़ा सकते हैं और हम वो चीजों को मैनेज कर सकते हैं. अभी रेजिलियंस का मतलब क्या है,
रेजिलियंस इज, हम बोलते हैं, कोई बोलता है उसको मेंटल स्टेमिना बोलता है, कोई बोलते हैं बाउंसिंग बैक विद सिचुएशंस, जो भी तुम्हारी डिफिकल्ट टाइम है उसमें से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो रेजिलियंस के ऊपर मुझे थोड़ा, मैं ब्रेन के बारे में बात करूंगी अगेन। जैसे हमने ह्यूमन एवोल्यूशन में जब भी जैसे बॉडी डेवलप हुआ वैसे ब्रेन भी डेवलप हुए, ब्रेन के पार्ट्स डेवलप हुए, तो हमारे ब्रेन में इट इज एन इनबिल्ट थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग व्हिच गॉड हैज गिवन अस। ब्रेन में एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रहता है विच इज अ डिसीजन मेकिंग, जो बोलते हैं सीईओ बोलते हैं ब्रेन का, वो जो सब डिसीजंस वो लेता है, वो रैशनल डिसीजंस लेता है। और हमारा ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है एमिग्डाला, जहां से हमारे इमोशंस, हम कोई भी सिचुएशन को, जो हमारा है, ये हार्डवेयर है जिससे हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं, तो वो जब भी वो हाईजैक हो जाता है तो हम उसमें नेगेटिव इमोशंस जनरेट करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट, और एक पार्ट है ब्रेन में जिसको हम हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग इन द ब्रेन, क्योंकि हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अगर कोई सिचुएशन आती है तो अगर आप वो मोमेंट पे उसको रिएक्ट ना करें, 2 मिनट सोच के रिस्पॉन्ड करें वो पर्टिकुलर चीज को, रैशनली उसको सोचे, और रैशनली सोचने के बाद अगर आप उसका एक सही तरह से डिसीजन ले, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपका जो रेजिलियंस पावर है वो आपके ह्यूमन ब्रेन में एक नर्व, एक नेटवर्क क्रिएट करता है, और वो नेटवर्क के बेसिस पे आपका रेजिलियंस पावर जो है, आपकी मेंटल स्टेमिना जो है वो बढ़ सकती है। तो मेरा कहना यह है कि हम एनवायरमेंटल या बाहर के जो चैलेंजेस है, विच इज नॉट इन अवर कंट्रोल, वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन दैट, बट वी कैन वर्क ऑन अवर सेल्फ विच इज इन अवर कंट्रोल। सो रेजिलियंस पावर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? रेजिलियंस पावर बढ़ाने के लिए देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हाट वी कॉल्ड एस, हम उसको बोलते हैं कि पॉजिटिव तड़का देना चाहिए। पॉजिटिव तड़का मतलब यू नीड टू जेनरेट पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस कैसे जेनरेट करोगे? अभी हमारा ब्रेन जो है वो हमेशा कोई भी सिचुएशन आती है तो हम पहले ही हमारे जो फाइट फ्लाइट फ्राइज रिस्पॉन्स पे चले जाते हैं, तो हमको उसके ऊपर ये जो सॉफ्टवेयर में डेवलप करने के लिए हमको उसको मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत कैसे कर सकते हैं? अगर हमको हमारा रेजिलियंस पावर बढ़ाना है तो हमको ऑप्टिमिज्म बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्टिमिज्म मतलब क्या? कि हमारा जो नजरिया है बाहर की तरफ देखने का, उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। पॉजिटिव इमोशंस जेनरेट करना पड़ेगा। पॉजिटिव इमोशंस, हमको खुद को उसके लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पॉजिटिव इमोशंस कब जेनरेट होते हैं? जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। ऑप्टिमिज्म एक जरिया है। दूसरा है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड के ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने बताया है कि ग्रेटिट्यूड जो है, यानी ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक्स गिविंग, अगर आप किसी को थैंक यू बोलते हो तो उसके ऊपर भी बहुत असर होता है, उससे भी आपके पॉजिटिव इमोशंस जेनरेट होते हैं और ये एक्सपीरियंसेस जो है वो आपके रेजिलियंस पावर को बढ़ाते हैं। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मतलब आज के समय में, अभी के टाइम पे रहना, बीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट। सो उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं करने के लिए, जैसे मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक कॉन्सेप्ट है जो कर सकते हैं। थैंक्सगिविंग जर्नल लिख सकते हो, रोज के टाइम पे आप सोच के लिख सकते हो कि छोटी छोटी चीजें। फॉरगिवनेस है, जो लोग ये करते हैं कि फॉरगिवनेस के बारे में लोग एक दूसरे से बात करते हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर हमको ये इश्यूज और चैलेंजेस जो बाहर के हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट जो हमारे इसमें जो कंट्रोल में है, दैट व्हाट वी कैन डू, एंड आई फील दैट एवरीवन शुड पॉजिटिवली build on their resilience power which is within us, and it is very 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 easy. The only thing is ke we need to rewire our brain. The jo ek cheez hamare brain mein, hamare isme sabse beautiful cheez hai, jo hamara brain jo hai wo bhagwan ne humko us tarah se banaya hai ke hum uske sath kuch bhi kar sakte hain. The only thing is that you need to be positive. Aap us positive socho. जैसे अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, आप पॉजिटिव फील करोगे, और जैसे ही पॉजिटिव फील करोगे आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव रहेगा। एंड आई थिंक के दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू, आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट पार्ट वेयर वी विल बी एबल टू यूज अवर वेलबींग इन द बेस्ट वे एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर एन
enlightening talk, and you have discussed so many aspects of this well-being, and it was really I really appreciate this. क्योंकि मैं तो संस्कृत से हूँ, तो मेरे लिए ये सारी बातें सुनना साइंटिफिक मैनर से, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, और वो भी एक प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंट के साथ सुनना, ये अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव है. एंड आई रियली थैंक यू फॉर दैट कि आपके इस टॉक ने जो है इट हैज एनलाइटन्ड मी एंड इट हैज इंक्रीज्ड माय perception also, my understanding has developed more. So, लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोफेसर अपर्णा नेगी जी को आमंत्रित करूं बातचीत के लिए, लेकिन एक बात मुझे जरूर लगी, जो आप लोग बात कर रहे हैं इस HR perspective से, management के perspective से, psychology और counseling, ये सारी बातें, ये बहुत हद तक तो हमारे ट्रेडिशन में प्रैक्टिसेस हैं, जो आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस इसमें जैनिज्म में मिल जाएंगी, योग में मिल जाएंगी, और मुझे लगता है कि इंडियन ट्रेडिशन का जो इंडियन ट्रेडिशन में जो वे ऑफ लाइफ है वो कुछ इसी तरह का सारा कुछ है, कि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होना, बीइंग इन प्रेजेंट, माइंडफुलनेस, ये सारी चीज़ें तो हैं. तो हम इनको एक सोशल साइंसेस में इनको प्लेस क्यों नहीं दे रहे? सर, सबसे बड़ी चैलेंज आज के तारीख में क्या है हमारे लिए, आप जो बोला, आपने जो बताया कि हमारे कल्चर में, हमारे माइथोलॉजी में ये सब चीजें आती है, एंड हमारा ट्रेडिशन भी वैसा ही है. बट द थिंग इज के हम जो है वो दूसरों को फॉलो करने के चक्कर में हम अपना कल्चर भूल जाते हैं, और दूसरे को फॉलो करने में हमारा चक्कर भूल जाते हैं, और उसकी वजह से थिंग इज के बाहर के लोग हमारा कल्चर फॉलो करते हैं और हम अपना कल्चर. क्योंकि ये जो रिसर्चर जो अभी उसको जो हमारा कल्चर जो बेस ट्रेडिशन था उसके ऊपर लोग अभी उसके ऊपर रिसर्च करके साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं, जो हमारी चीजें हैं वो हमको वापस आ रही है. That's wonderful. लेकिन चलिए, मैं वैसे उम्मीद करता हूँ कि कभी सोशल साइंसेस में इन सारी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, और सारी सोशल साइंसेस का रेफरेंस पॉइंट कभी इंडियन ट्रेडिशन भी होगा, क्योंकि अभी तक तो वो ग्रीक ट्रेडिशन. उसके लिए हमको ही कुछ कोशिश करनी पड़ेगी. जी जी जी, बस उसी वजह से लेने वाले लोगों को ही वो ये करना पड़ेगा. अगर आप देखा जाए तो आज हम जो भी बात करें वो हमारे भगवद गीता में सब चीजें कॉन्सेप्ट सब कवर्ड है. जी जी जी, दैट्स वंडरफुल मैम. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. तो अब हमारे आज के जो सेकंड रिसोर्स पर्सन हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा नेगी जी, वेरी सीनियर प्रोफेसर एंड लर्नड पर्सन, और मैं उनके मन से बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि उनके बारे में पता लगता रहता है, अक्सर बातचीत भी होती रहती है कामनी से, तो और उनको मैंने सुना भी है, आगे हमने लोगों ने उनको आमंत्रित भी किया था सेमिनार्स में, तो जितना पैशनेटली वो बोलती हैं और जितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के साथ, कमिटमेंट है, वो वाकई प्रशंसा के योग्य है, अप्रिशिएबल है. तो नाउ आई इनवाइट प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा नेगी जी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शेयर हर व्यूज. थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड वर्ड्स. I don't know how deserving I am of them, but I will try and the best that I can do on the topic that has been selected. पहले तो आप सबका बहुत big thank you to you for considering me worthy of making this presentation. And एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है. Screen turn on options. आप सभी लोग जब तक मैडम अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, लिंक हमने शेयर कर दिया हुआ है, यू कैन फिल अप द फॉर्म एंड यू विल रिसीव द सर्टिफिकेट्स. जी मैम, प्लीज कंटिन्यू. ठीक है जी, सो योर अनाउंसमेंट इज आल्सो मेड. अच्छा, जब एज यू नो माई सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स, तो मेरी जो ट्रेनिंग है वो इस सब्जेक्ट में हुई है, एंड माई अंडरस्टैंडिंग एंड देयरफॉर माई
interpretation is also in some ways very restricted to my subject. Nevertheless, on the topic of well-being, I took it as almost like a challenge, simply because इसके ऊपर मैंने कोई काम नहीं किया है. You know, I'm sort of in some ways new to it, though we do have a discipline called welfare economics, and we do deal in issues pertaining to human welfare. So the way I want to structure it, I'm sorry, I don't have a PowerPoint presentation for you because there is a technical hitch. I'm sitting at home today. आज हमारे यहाँ गुरु रविदास जयंती है, वो आप सबको मुबारक हो. उसकी वजह से आज एंड आई एम नॉट एबल टू गो टू एक्सेस माय कंप्यूटर पैराफिनेलिया इन द ऑफिस. सो मैं कोशिश ये करूंगी कि आपके साथ दो चार चीजें, यू नो, आई जस्ट वांट टू फ्लैग सम इश्यूज फॉर योर कंसिडरेशन. पहले तो व्हाई वेलबींग है, क्या ये वेलबींग? दूसरा, वेयर इज इट कम फ्रॉम? एंड देन व्हाट आर आवर कंसर्न्स टुडे, जो आप 21st सेंचुरी की बात करते हैं. एंड देन अ लिटिल बिट अबाउट इंडिया, और अगर हो सका तो थोड़ी सी बातें, क्योंकि अभी आप जो बात कह रहे थे, इट स्ट्रक मी एज वेरी रेलेवेंट कि इसे हम सोशल साइंसेज में इंक्लूड क्यों नहीं कर पा रहे, या व्हाट आर द, यू नो, व्हाट आर द इश्यूज अराउंड नॉट बीइंग एबल टू, यू नो, इंटीग्रेटेड इनटू द लार्जर आर्किटाइप ऑफ सोशल साइंसेज. आई ट्राई एंड लुक एट सम ऑफ दोज इश्यूज. अब सबसे पहले तो, यू नो, व्हेन वी टॉक ऑफ वेलबींग, आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग एरिया, simply because it seeks to define human welfare more broadly, not just in income terms. It seeks to create a bigger space. It seeks to look at a much wider concept. Aur ye isliye hai kyunki there is a need now to identify, aur ye need, felt need hai ki we have to identify what is it that is important and contributes to our well-being, and what is the difference when something is or is not available as a contributor to that well-being. So, in cheezon ko assess karne ke liye, obviously it is important to define well-being first, but we also need to look at ye need to go, kyunki baat hoti thi happiness ki, baat hoti thi khush rehne ki, that has given way to a concern for well-being. Is there a difference or are they just the same? That's what I want to sort of hit at. Now, the whole idea is that, you know, we are involved with the benefits of our families and our friends for reasons that are other than our own, their own well-being also. We are also, when hamare hum log khud hamare parivar, hamare, you know, friends and our peers, when something we are able to do to make them happy or make increase their well-being, it adds to our well-being as well. We gain as well. So the point I'm trying to make is that defining well-being is not a very simple act, because you have to obviously contextualize it. Abhi baat ho rahi thi ki hamare kitab mein kuch likha hai aur hamare culture mein already bahut saari cheeze hain. I'll try and hit upon that as well. The underlying idea is for us to first appreciate ki ye itna straightforward matter nahi hai. Everyone who approaches the topic of well-being, of human well-being, will approach it from their own vantage point. अगर आप एक अर्बन सिटीजन हैं तो आपकी वेलबींग की कॉन्शियसनेस कलर्ड होगी अर्बन सेंट्रिक आइडियाज से. अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपके वो कंसर्न्स होंगे. अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री में हैं तो आपके कंसर्न्स कुछ और हो सकते हैं. अगर आप डेवलपिंग नेशन में हैं, देन योर कंसर्न्स विद वेलबींग इज समथिंग एल्स. उसके अलावा, एंड ऑल ऑफ दिस इज कलर्ड बाय आवर कल्चरल मूरिंग्स, कलर्ड बाय आवर कल्चरल अंडरपिनिंग्स. अब जब क्लैश आता है बिटवीन, नॉट सो मच अ क्लैश, बट व्हेन वी आर ट्राइंग टू रेकंसाइल व्हाट इज इन आवर कल्चर विद व्हाट इज इट दैट वी आर रीडिंग, एक चीज बहुत क्लियर है जब हम वेलबींग को एड्रेस करते हैं, वो ये दैट वी आर ट्राइंग टू लुक एट वेलबींग थ्रू लिटरेचर व्हिच इज रिटन मेनली इन द वेस्ट और इज रिटन विद अ वेस्टर्न इंक्लिनेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर इट इज क्रिएटेड. वेयर इज जो हमारी कल्चरल मोरिंग है, दैट इज इन इट, दैट इज इन अस. That has not come to us from, so there is in some ways a dichotomy, and when we are faced with this dichotomy and we are not able to resolve it, or the resolution is not very very complete, then there is cause for friction and cause for stress. Tab pareshani hoti ki ye wellbeing ko humne integrate abhi tak kyun nahi kar paye, ya is discourse ko carry forward kare to kahan tak leke ja sakte, all these then become concerns. Now
इसकी इवैल्यूएशन के लिए सबसे सिंपल जो हेडोनिक टेक्निक्स यूज करी गई थी, दे वर बेसिकली जस्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट यू नो सेंसेशंस दैट, एंड एवरीबडी इज फुली केपेबल ऑफ रिपोर्टिंग कि हाँ मेरे को दिस ये मेरा एक्सपीरियंस था एंड आई वॉज हैप्पी विद दिस एक्सपीरियंस, तो ये प्लेजेंट हुआ, और आई हैड दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, ये बहुत अच्छा नहीं था, तो ये एक अनप्लेजेंट सेंसेशन हुई, मेरा वेलबींग और मेरा वेलफेयर कम हो गया. ये सब चीजें हम सब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं, बट द मजे की बात ये है दैट when we talk of well-being, we are invariably venturing into a grey unspecified area. Like I was saying that if it is colored by or it is rooted in our cultural, in our culture and in our own, you know, everyday lived ethos, and then we are trying to locate it within the discourse that is available to us, problem to aayegi, because ye phir ek grey area ho gaya, isme jo lines of division hai wo clearly drawn nahi hai, that becomes a problem. But that is not to say ki isko resolve nahi kiya ja sakta. Aap field work kijiye, experimental work kijiye, these are answers that can be teased out of it. And mera subject jo hai economics, I mean usme ye एक बहुत बड़ा क्रिटिक है दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू यू नो डील विद इश्यूज ऑफ वेलबींग इन एज मच डिटेल एज इट इज रिक्वायर्ड. दिस इज समथिंग दैट एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आई टेक वेरी वेरी सीरियसली. और ये जब हम वेलबींग की बात करते हैं, वेल्थ तो फेल्ट नीड की बात करते हैं या फेल्ट एक्सपीरियंस की बात करते हैं, दोज कुड बी डेली एक्सपीरियंसेस. एंड ये जो ग्रे एरिया की मैं बात कर रही हूँ, ये वो हो जाता है दैट इट यू नो इट इट इज हाउ डू वी क्वांटिफाई दिस, हाउ डू वी क्रिएट मेजर यू नो मेजरेबल इंडिकेटर्स, हाउ डू वी क्रिएट वेरिएबल्स जो कोई भी उनको अप्लाई करे तो वो सबको सेम सिमिलर सिचुएशन मिले. क्योंकि अब देखिए ये बात आ गई सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन की, समथिंग मेड मी हैप्पी, समथिंग इंक्रीज्ड माय वेलफेयर, मे बी इट डिडंट वर्क फॉर समवन एल्स. नाउ अब मनी ही ले लीजिए आप, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मनी इज व्हाट वी टॉक अबाउट द होल टाइम. नाउ मनी एज अ मींस टू एन एंड इज ऑल राइट, बट इट इज अ वेरी इनएग्जैक्ट मेजर ऑफ वेलबींग, सिंपली बिकॉज अगर मनी आपके पास डिस्पोजेबल इनकम या आपकी इनकम बढ़ जाती है, मनी बढ़ गया आपके पास ये, और उसकी वजह से सोशल आइसोलेशन भी आपकी अगर बढ़ गई, तो दोनों फैक्टर्स जो हैं वो आपकी वेलबींग को इम्पैक्ट कर रहे हैं. दे विल हैव टू बी अकाउंटेड फॉर. सो फॉर एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर मी टू से बिकॉज योर इनकम इंक्रीज्ड, योर वेलफेयर इज इंक्रीज्ड, योर वेलबींग हैज इंक्रीज्ड, इज नॉट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. बट एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आई एम नॉट टेक्निकली ट्रेन्ड टू delve with issues of social isolation. So yahan phir ek baat ye bhi aati hai that perhaps it is time that we took interdisciplinary work more seriously. If as a student of economics I don't have all the answers, and I am conscious of the fact that somebody from psychology, somebody from sociology, somebody who's studying behavioral sciences, somebody who's even, we're in economics, we're even talking cognitive economics, some neuroscience ke saath jod rahe hain isko. Now, if I, as a student of economics, I am conscious of the fact that my colleagues from psychology are able to deal with social isolation, or my colleagues from sociology have a better grip on the concept of social isolation and its consequences, why should I not then link with them? Because aapka kehna bilkul sahi hai that why have we not been able to integrate concerns of well-being into our into our social sciences? One of the reasons is this. क्योंकि जब भी हम किसी इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक को देखते हैं तो क्वाइट नेचुरली उस पे हर एक इंडिविजुअल जो उस पे अपनी प्रतिक्रिया देगा हैज देयर ओन वेंटेज पॉइंट, हैज देयर, एंड दैट वेंटेज पॉइंट इज रूटेड इन देयर नॉलेज ऑफ देयर ओन सब्जेक्ट. अगर मेरी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट लिमिटेड है, इट डज नॉट अलाउ मी अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फिनोमेनन दैट आई विश टू अंडरस्टैंड, then I have to do something about it. So I think this is I'm a great proponent of interdisciplinary work. And this is, to me, a classic example of where interdisciplinary effort is absolutely needed if we wish to integrate. दूसरी बात, अभी कुछ देर में मैं आपसे कल्चर की बात कोशिश करूंगी, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से कुछ कल्चर के हवाले से I would want to raise flag some issues for the consideration of the group today. Now, I don't know culture, so why should I not collaborate with Dr. Ashutosh? Because he's a man from Sanskrit. Not only does he know the language, he even has a better understanding of what is meant in the way those concepts have been described in our texts. Ab mere paas agar ye resource hai,
I have to be absolutely off my rock and absolutely mad if I think I'll be able to do a better job of interpreting something of in which I'm not trained, in which I have no understanding. So the brief point I wish to make is that ye interdisciplinary initiative ke hawale se, this is a classic example. And in fact, I'll admit very honestly, when I did take up this, when I agreed to speak at this platform today, my idea was this. That well-being ke concept mein to psychology zyada important hai, well-being ke concept mein to culture zyada important hai. So where do I locate myself? Because hum welfare economics ki baat karte hain, hum increasing well-being ki baat karte hain, but we do it in a very limited manner. Ki ji aapki aamdani badh gayi to aapka welfare badh gaya. Now this creates a huge issue for me, because I have heard about the happy the happy peasant and the miserable millionaire. To agar sirf income badhne se वेलफेयर बढ़ रहा था तो मिजरेबल मिलियनेयर तो नहीं होना चाहिए था ना. बट इट इज वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड इन 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 लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट दैट द पेजेंट हु हैज वेरी लिटिल इज मच हैप्पियर इज मच बेटर इन अ मच बेटर हेड स्पेस एज कम्पेयर टू अ मिलियनेयर हु इज वंडरिंग कि वो एक मिलियन तो हो गया अभी उसको दूसरा मिलियन कैसे बनाए. So when I look at these representations in literature, I get very confused. अब आप दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. Why should I even talk of millionaires and peasants? Why can't I talk of another dimension? ये well-being की explanation subjective है. We are as an individual, it is expected that we are able to say, do I feel that I'm my welfare has increased? Am I in a well? मेरा well-being कितना है? Now, if you look at, and from a purely hedonic experience, can I tell, am I happy or not? Of course I can tell. But you don't have to go very far. Just look across the border and look at what is happening in Afghanistan. People in misery, people in very difficult conditions have adapted to those conditions. Aur un bad conditions mein rehte hue bhi wo bolte hain, we are okay. तो सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशंस को दैट दीस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम बिकॉज अगर इफ दे फॉल्सली प्रॉम्प्ट अ पॉलिसी मेकर टू नॉट टेकिंग एनी एक्शन क्योंकि एवरीवन सेज एवरीथिंग इज ऑल राइट देन दैट इज नॉट गुड. सो दीज आर इश्यूज दैट दैट आई वांटेड टू फ्लैग फॉर फॉर योर कंसिडरेशन ऑल्सो. अब व्हेन वी टॉक ऑफ एंड व्हेन आई स्टे विद दैट आई थिंक आई विल जस्ट कम बैक आई speak a little bit about India also. जो मैं आपसे थोड़ी culture की बात जो मैं आपसे भी कह रही हूँ. You see, this whole quest for a happy life, happiness को खोजते थे, happiness quotient बनाया, happiness index बनाया. Now that is being replaced with a search for a more meaningful existence. This is one way in which आप well-being का concept को समझने, we can sort of try and get a grip on what it is. It's not just that you're happy in life, it's a more meaningful existence. Now for that meaningful existence, as Indians, I don't think we need to look outside. We don't need to look anywhere, because hamare yahan happiness ko material cheezon se to waise bhi dur rakha gaya tha. Hamare yahan kin cheezon ki baatein hoti hain? Spiritual self ki baat hoti hai. Dharm, karma aur moksh ki philosophy ko subscribe karte hain hum. सोशल रिलेशंस को परस्यू करते हैं, सोशल रिलेशंस को डेवलप करके उनको मेंटेन करने की बात होती है. एक देयर इज अ बुक कॉल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ अ हाउसहोल्डर. आई वुड रेकमेंड एवरीबॉडी रीड इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दूसरा एक हमारे यहाँ और कॉन्सेप्ट है, हम दान करके वेल बींग क्रिएट करते हैं. व्हाट डिड कबीर से, साई इतना दीजिए जो मैं जा मैं कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए. So this concept of the welfare of, taking care of the needs of others is enshrined in our ethos. Daan ho gaya, len den ki baat ho gayi, shubh ashubh ka concept jo hai, ye sab nazar lag gayi, nazar, nazar, buri nazar se bacha. All these contribute to our understanding of well-being. Ek cheez aur, jisme mujhe thodi si pareshani bhi hoti hai, is this vrat business. हाँ, व्रत में मुझे क्या प्रॉब्लम होती, जनरली विमेन पे आयत है ये, दैट आप व्रत रखिए बिकॉज इफ यू आर कीपिंग अ फास्ट फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ योर हस्बैंड यू आर अ गुड वाइफ. सो व्हेन यू आर लिंकिंग इट विद दैट, वो ये डिस्कशन किसी और प्लेटफॉर्म की है, लेकिन नेवर द लेस
दिस कॉन्सेप्ट ऑफ व्रत इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेल बींग. अच्छा दूसरी बात, अब मॉडर्न टाइम्स में 21वीं सदी की बात हमें करनी है. जितने ज्यादा हम अर्बेन होते जा रहे हैं, जितने ज्यादा हम अर्बन होते जा रहे हैं, हमारे यहाँ जो वेलबींग का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है. दैट फीलिंग ऑफ कुटुंब, दैट फीलिंग ऑफ एवरीबॉडी टुगेदर, जो जो एक अर्बन सेंट्रिक फिलॉसफी है, वो उस पे हम फोकस, उससे हम थोड़े से दूर होते जा रहे हैं. एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग, माय नेबर एंड माय फ्रेंड आर बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट, आर सॉर्ट ऑफ बिकमिंग लेस इम्पोर्टेंट, एंड व्हाट इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट इज द इज योर थेरेपिस्ट एंड योर काउंसलर. एक तो ये चीज हो रही है. दूसरा आप देखो हाउ मेनी प्लेटफॉर्म्स आर देयर दैट गिव यू दैट दैट सेंड यू लिंक्स सेइंग दैट देयर इज दिस पर्टिकुलर टॉक एंड ये आपका मेंटल पीस आपको इससे मिल जाएगी. कितने लोग आपको यू नो जेम स्टोन्स बेच रहे हैं, कितने लोग आपको कोई नुस्खे सुझा रहे हैं दैट योर वेलबींग विल इंक्रीज. हाउ मेनी आश्रम्स हैव प्रॉप्ड अप, हाउ मेनी बाबाजीज आर ऑन द सीन दैट आर प्रोमोटिंग योर वेलबींग एंड योर वेलफेयर. सो लुक एट द इट, ये एक प्रोडक्ट हो गया है ऑलमोस्ट वेलबींग. एंड स्ट्रेसेज ऑफ अर्बन लाइफ, स्ट्रेसेज ऑफ आर एवरीडे एग्जिस्टेंस आर प्रॉम्प्टिंग दिस मार्केट, आर प्रॉम्प्टिंग फॉर दिस मार्केट टू फ्लरिश. तो आप कहीं पे ज्वेलरी एंड जेम स्टोन्स खरीद रहे हैं, कहीं फंक्शुई की बातें कर रहे हैं, कहीं पे यू नो एक मैंने नया टर्म पढ़ा आपके ये वेलबींग के वेबिनार के कॉन्सेप्ट में, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हैविंग यू नो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ. आई रेड समथिंग कॉल्ड इमोशनल इंजीनियर्स, आई हैव नो क्लू हु दे आर, बट ये जो आपको एंड दे टीच यू, ये इमोशनल इंजीनियर्स क्या सिखाते हैं आपको, गुड पेरेंटिंग, ऑयल फ्री कुकिंग, एटिकेट क्लासेस, पावर लिविंग. तो वेलबींग एक प्रोडक्ट हो गया जिसके मार्केट में कितने तरह के लोग इमर्ज हो गए जिनमें इमोशनल इंजीनियरिंग, और इमोशनल इंजीनियरिंग हैज देयरफॉर बिकम ए यू नो ए पॉसिबल जॉब अपॉर्चुनिटी. तो करियर काउंसलिंग जब हम लोग करते हैं तो देखिए बच्चों को क्या क्या बताना पड़ेगा कि आप ये भी, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन बी डन. दूसरा, बिफोर आई कम बैक टू सम अदर यू नो बेसिक पॉइंट आई वॉन्टेड टू मेक ऑन वेलबींग, द टू थिंग्स आई विश टू फ्लैग. एक तो ये कि चिल्ड्रन की बात, यू सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेलबींग एंड वेलफेयर, ऑल ऑफ अस वर चिल्ड्रन एट सम स्टेज. एंड ये 12वीं जमात की एनसीईआरटी में लिखा है, विच इज टू से बिकॉज एनसीईआरटी इज अ प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक टू एवरी स्टूडेंट हु इज स्टडिंग साइकोलॉजी इन क्लास 12, राइट? इट इज अ वेरी बेसिक बुक. उसके अलावा साइकोलॉजी के एक्सपर्ट से आप पूछिए, एक इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ बाय द ईयर एज, बाय एज 7 एस्टेब्लिश हो जाता है. तो आप देखिए, अगर वेलबींग, वेलफेयर, इन सब चीजों को सेल्फ से जोड़ना है तो आपको कहां पे, एट व्हाट स्टेज विल द इंटरवेंशन बी रिक्वायर्ड, एट व्हाट एंड यू नो हाउ पेरेंट्स एंड हाउ पीयर्स एंड हाउ गार्डियंस एंड हाउ टीचर्स एंड एवरीबडी कनेक्टेड विद 7-year-olds विल हैव टू बी टोल्ड दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द चाइल्ड, की उसका कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड देयरफॉर फाइनली हाउ इट लिंक्स विद द चाइल्ड्स कॉन्सेप्शन ऑफ वेलबींग एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ, how that will link. तो आप देखिए intervention कहाँ पे चाहिए, that is one. दूसरी चीज रही बात COVID की, you know, I'm glad the resource person who spoke before me brought in the issue of COVID. Now, as a student of economics, I have come to understand that ये जो COVID है, इसने एक चीज तो बहुत clear कर दी, that employment generate करने के लिए urban centers are very important. They have always been important. But what is more, even more important is रूरल एम्प्लॉयमेंट. तो रूरल एरियाज में फोकस करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया. अब इसको आप वेलबींग से लिंक कीजिए. Why was there so much migration to urban areas in the past? Because you were looking for a better life. Whoever was migrating was migrating in the hope कि उनकी circumstance urban center में better हो जाएगी, कुछ कमाएंगे, वापस गांव को भी भेजेंगे. Now that myth has shattered. And it is true, it's documented that a sizable number of people have returned, have come back to those urban places. But the majority have said, we are not coming back. Hum kam mein guzara kar lenge, but we are going to not going to go back to the city. Ab hum rationality ki baat karte hain, aur economics mein, aur humne economics ke through sabhi disciplines ko ye samjha diya that an individual is okay only if that individual is being rational in the choices that he or she makes.
Now, the rational choice would be that you approach an area of better opportunity. You must go back. अब वो कह रहे नहीं, हम नहीं जाएंगे. तो जब वो नहीं जाना चाह रहे, despite the fact that urban centers में शायद income better हो, शायद livelihood के better options हो जाए, वो कहते हैं हम कम में गुजारा कर लेंगे लेकिन हम नहीं जाएंगे. तो ये rationality तो defy हो गई, लेकिन ये concept of well-being से link कीजिए आपको. उसकी mental space, उसने जो stress देखा है, वो उससे दूर रहना चाहता है. उसकी well-being is not connected to economic opportunity. अब ये चीजें हमें अपने डिस्कोर्स में उतारनी पड़ेंगी. और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इन सब चीजों के लिए मेजरमेंट चाहिए, इन सब चीजों के लिए टूल्स चाहिए. एंड यू नो वी नीड समवेयर टू स्टार्ट. सो इवन इफ अ सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन और हेडोनिक मेजर्स आर अ स्टार्टिंग पॉइंट, देन दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे शुड बी ट्रीटेड ओनली एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, यू नो. और दूसरी बात यह है, कई लोगों में स्टडीज देख रही थी दैट यू नो ये जो वेलबींग का डेटा है इसे डॉक्टर किया जा सकता है. इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं. अगर आप वेल डिजाइन सर्वेज करें और वेल डिजाइन क्वेश्चनर्स जनरेट करें तो वेलबींग के डेटा को मैनिपुलेट करना उतना आसान नहीं होगा जितना आसान इसे बताया जा रहा है, यू नो. और ये जो असेसमेंट की बात है कि वेलबींग का हमको हम मेजर क्यों नहीं कर पा रहे, it has something to do with the way we have conceptualized the problem. You see, well-being ki jo baat hai, it has emerged from thank you, I'm sorry for the intervention, somebody walked into my room. You know, this whole the concept of well-being को हमने कहाँ से उसको root किया या कहाँ से उसको sort of connect किया है हमने उसको with an examination of poverty and deprivation. Now I admit that कोई starting point चाहिए, so it's a good enough starting point. But what has happened as a result of that is that we have become very limited or very restricted in the way we have proceeded from there. चाहे आपने human development index बनाई, चाहे आपने अभी जैसे कुछ सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल यू नो फैक्टर्स को बीच में डालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यू नो इट्स नॉट बीन वेरी इफेक्टिव बिकॉज जो आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं इतना तो हो गया है दैट जस्ट पॉवर्टी एंड हंगर आर नॉट यू नो सॉर्ट ऑफ नॉट टू बी कंसिडर्ड इन आइसोलेशन. एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, हेल्थ, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इन चीजों को इंटीग्रेट करने की भी जरूरत क्लियरली आर्टिकुलेटेड है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से. सो इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड समटाइम्स मुझे लगता है कि स्लो प्रोसेसेस आर बेटर प्रोसेसेस एंड आई से दैट विद विद ग्रेट रेपिडेशन बट आई से इट ऑन द बेसिस ऑफ अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल दैट वी हैव इन आर कंट्री. और वो एग्जाम्पल है सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट का. यू नो इट वॉज टू डू विद क्रिएटिंग वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट and therefore indirectly contributing to their well-being and their welfare. Is tarike ka mudda NABARD leke chala tha. And I think it was two or three years ago they celebrated 27 years of completion of the self-help group movement. Aur agar aap usko ab dekhen to it has gained a huge momentum right across the country. I mean, there are pockets where it's not done so well, there are other places where it's done extremely well, but overall agar Hindustan mein aap self-help group movements dekhen तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इनिशिएटिव देखें तो इट्स लेड टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सक्सेस एंड इट्स नाउ ऑल ऑफ दिस हैज टेकन 26 इयर्स 27 इयर्स इट हैज टेकन अबाउट दैट लॉन्ग टू रिपोर्ट दिस काइंड ऑफ सक्सेस एंड सोशियोलॉजी हमें क्या बताती है दैट वन जेनरेशन इज 26 इयर्स सो इट्स टेकन लाइक अ जेनरेशनल चेंज इट्स टेकन एन एंटायर जेनरेशन फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट to become what it has become today. The point I'm making is that when we concern ourselves with changing parameters, changing variables, trying to do something new, resistance milti hai usme hame. And you just have to peg away at it. So I just would like to see more articulation on the issue of well-being. Or all I want to say is that it is multidimensional. And rather than just income, consumption and poverty, इसमें बहुत सारी और चीजें हैं जहाँ पे you know well-being को integrate करना जरूरी है. And it's I feel very happy when you read कि UK में, Italy में, Germany, Bhutan, Brazil, Ecuador, Bolivia, China में भी well-being pursuit has become a national direct national policy
ऑब्जेक्टिव, नॉट अल्यूडेड टू कि ऐसा होगा तो वेल बींग बढ़ेगा, ऐसा नहीं, डायरेक्टली टारगेटिंग वेल बींग. सो दीज आर सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव मूवमेंट्स. Now there's a lot more that I wanted to talk to you about, but उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊँ. एक मैंने किताब आप सबने पढ़ी होगी, हक्सले की किताब 1931 में आई थी, और उस किताब का टाइटल था Roots. Brave New World. Right. Now Brave New World में उन्होंने एक conceptualize किया था कि you know if he promised that an enduring happy society would result as long as it followed rigid scientifically defined social rules and societal rules. उन्होंने define किए थे as quite literally कि आप the moment a child is conceived वो तभी से उस पर लागू हो जाते हैं, and therefore वो जो एक decision making जो एक anxiety है कुछ हद तक वो limited है, because rules जो हमने follow करने हैं वो already बने हुए हैं. Now and happiness was pursued above all other goals as being objective. Anyone who was a non-conformist was relegated as a free thinker and was not to be dealt with. Ab ye, despite his the promise of this brave new world, all is not well. And Huxley ne khud described kiya a deeply disturbing society that operated largely on autopilot, disconnected from the natural world. Ye main padh ke suna rahi hu aapko. Ironically, it was the pursuit of a rigidly defined happiness which led to unhappiness and threatened the long term sustainability of this utopian world. So aap dekhiye, it's almost like a double bind. Aap khush apne aap ko khush karna chah rahe hain aur us khushi ki pursuit mein aur dukhi ho rahe hain. So that's the kind of double bind we are faced with when we are talking about in enhancing well-being. Because you see, if अगर मेरी well-being की बात है तो उसकी definition कौन देगा, उसको explain कौन करेगा? Am I competent to do it myself or does somebody else have to do it? I mean, I realize that it is not a very restrictive component. There are many many streams that have to come together to describe it. तो ये तमाम चीजें उसकी measurement में, उसको conceptualize करने में, ये issues अभी हमको thresh out करने की मुझे लगता है जरूरत है. And और इसमें बहुत हद तक, क्योंकि मैंने आपसे the speaker before me and intervention in between and also I've tried to raise the issue of the Indian context. अब जब हम धर्म कर्म मोक्ष इन दान लेना देना नजर लग गई इन सब चीजों की बातें करते, these are alien to the Western constructs. उनको नहीं समझ में आती ये बातें. And we are trying to understand ourselves through Western eyes. तो ये तो बात बनने वाली है नहीं, because हमारे यहाँ हम हैं एक कैसे कहते हैं उसको, ईगो सेंट्रिक वेस्टर्न वर्ल्ड को कहते हैं, हम लोग पीपल सेंट्रिक हैं. सो देयर इज दैट डाइकोटमी. सो हाउ कैन वन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द अदर? दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. सो वी हैव टू जनरेट वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ रिटन मटेरियल ऑन द सब्जेक्ट. दैट इज व्हाट आई वुड सबमिट. एंड फॉर द मोमेंट आई थिंक दैट इज ऑल. To respond to those. Thank you so much. I think I should wind up here because time zyada ho jayega. Thank you, ma'am. वाकई आपने एक जो rationalist approach होनी चाहिए, एक sensible approach होनी चाहिए इस तरह के subjects को लेकर के, जो कि बड़े मल्टी डायमेंशनल होते हैं और ह्यूमन लाइफ भी मल्टी डायमेंशनल है. और मुझे नहीं मालूम कि हम सिर्फ अपने अपने सब्जेक्ट से ही उसकी एक डायमेंशन को पकड़ करके क्यों चलते हैं और हमें लगता है कि हम सब कुछ समझ लेंगे. आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं और उस बात का सम्मान करता हूं कि वस्तुतः हमें आपस में बात करनी चाहिए कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लोग जो हैं, अगर आपस में जब बात करेंगे तब कहीं जाकर के ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन वेलबींग की हम बात कर सकते हैं. एंड इंटरेस्टिंगली अभी दो शब्द जो आप प्रयोग कर रहे थे, तो वेलबींग एंड वेल बिकमिंग, ये दो अलग अलग चीजें हैं. बिकमिंग जो है वो सारे का फोकस वो बिकमिंग के ऊपर है. यू बिकम समथिंग ग्रेट और ये नहीं पता कि वो ग्रेटनेस क्या है. लेकिन वेलबींग मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट योर ओन एग्जिस्टेंस. हाउ माई एग्जिस्टेंस शुड बी ब्लिसफुल प्लेजेंट. And it should be violent. All positive qualities are there. Lekin
मैं आपकी बात का पूरा सम्मान करता हूं कि आपने बहुत देर के बाद किसी इकोनॉमिस्ट को मैंने ये कहते सुना है कि हम लोगों को बात करनी चाहिए बाकी डिसिप्लिन के साथ और एक समझ बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। डायलॉग तो डेवलप हो, हमारे डायलॉग ही खत्म हो गए एकेडमिक कल्चर में, हम लोग सिर्फ अपने अपने सब्जेक्ट्स तक रह गए हैं। तो आज वाकई मुझे बड़ी खुशी है आपको बहुत दिनों के बाद सुनने का मौका मिला और वाकई जैसी मैं अपेक्षा कर रहा था वैसा आपने सारी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। तो आई थिंक नाउ द हाउस इज ओपन फॉर द डिस्कशन और एनी इश्यूज और एनी क्वेश्चंस क्वेरीज इफ यू हैज और यू हैव एनी कमेंट्स टू मेक यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम द ऑडियंस। Anyone, if anyone of you has a question, please query, comment, most welcome. क्योंकि मैडम ने जितने डायमेंशन की बात की है, जितना पर्सपेक्टिव उन्होंने खोला है और इतनी ईमानदारी से उन्होंने बात की है कि इकोनॉमिक्स की अपनी लिमिटेशन हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लिमिटेशन हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वो मुझे नहीं पता कि इकोनॉमिक्स के साथ आजकल ये एडजेक्टिव्स लगा करके हम इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग गए हैं, कभी वेलफेयर, कभी ग्रीन इकोनॉमिक्स, कभी और इस तरह की बहुत सारी चीजें आने लगी हैं। तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि हम लोग और इन इश्यूज के ऊपर बात करें और डिफरेंट लोग इसमें जरूर इकट्ठे हों और संस्कृत के लोगों के साथ बातचीत करनी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि संस्कृत इज ऑल इंक्लूसिव सब्जेक्ट। वो ठीक है कि जो समाज में एक वो फैला हुआ है कि भाई ये पंडितों की भाषा और ये फलानी भाषा, दैट इज अ डिफरेंट इशू, लेकिन जब आप उसके आप भीतर उतरते हैं, देखना शुरू करते हैं, देन द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। तो मुझे लगता है कि हम इस पे अभी बात करेंगे, लेकिन यदि किसी का कोई सवाल है तो प्लीज, इवन कोई कमेंट भी है। ओके मदान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आशुतोष जी, डॉक्टर अपर्णा जी, कामिनी जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बहुत अच्छा रहा आपका प्रयास, परंतु मेरा एक सबमिशन है, व्हाई क्राइसिस ऑफ कन्फ्रंटेशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, व्हाई द पीपल आर वायलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन वेयर एवर इट मे बी, वी फाइंड इन आवर इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, दे आर यूजिंग वल्गर लैंग्वेजेस, डेरोगेटरी वर्ड्स, डेफामेटरी वर्ड्स। This is my humble submission for the well-being of the people, because dignity prevails. आपका सवाल किसके लिए है सर? मेरा overall 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 सवाल है, humble submission है। To deal with this, this is a human behavioral aspect. What's wrong with our society? Why there is so much violence? And verbal and physical, both kind of violence is there. And what's the way out there? Well-being cannot happen in competitive world. मतलब मुझे मैडम मुझे ये लगता है कि अगर जब तक ये competitive world को हम बनाए रखेंगे, market economy चलेगी, तो एक sensible human being पे कैसे पैदा करेंगे? सर मुझे proportional to well-being of the society, I think so, and we yes. look into You're right. sensible human being is directly proportional to a well-being of a society. Please. सर मुझे लगता है कि आजकल ना एक हम हमारे हमारी जो जो generation कह लीजिए जो जो जमाना है इस वक्त, वो जमाना है मैगी 2 मिनट नूडल का। वी वांट एवरीथिंग डन फास्ट। यस यस यस, हमें न्यूट्रिशन भी चाहिए, हमें फ्लेवर भी चाहिए, हमें टेस्ट भी चाहिए, हमें प्रेजेंटेशन भी चाहिए, लेकिन चाहिए 2 मिनट में। यू नो यू लुक एट तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप रोड रेज के इंसिडेंट्स देखिए, भले चंगे जा रहे हैं और जरा सा ट्रैफिक हुआ हॉर्न बजाना शुरू कर देंगे, अगली गाड़ी को गाड़ी वाले को गाली देना शुरू कर देंगे या कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना शुरू कर देंगे, तो
this rush, this hurry, where for, what for? आप गाड़ी भगा के देख लो और आप गाड़ी आराम से चला के देख लो. There's not much time difference, very little, just 2-4 मिनट का फर्क शायद पड़ता होगा. But look at the mental peace that you have. Now this, ये एक cultural ethos है. ये एक you know, मुझे जल्दी मिलना चाहिए. I mean, if you look at हमारा socialization भी कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें. You know, we are teaching our children that as long as you get it, as long as it is yours, by hook or crook, जैसे मर्जी तुम्हें मिल जाना चाहिए. And you go and stand in a आप रेलवे क्रॉसिंग पे जब गेट बंद होता है आप वहां देखिए इतना ट्रैफिक लग जाता है. You don't know how the vehicles are going to cross. So this this we're all on a short fuse. We're all on a I, me and mine का जमाना है. मैगी 2 मिनट नूडल का जमाना है. किसी और के लिए कंसिडरेशन है ही नहीं. So when, how can we be talking of well-being and welfare without thinking of the other? You see, अगर मुझे कोई चीज चाहिए और मेरा वेलफेयर एक्स कमोडिटी को प्राप्त करके है तो आई कांट बी डिप्राइविंग somebody else of it. I mean, ये considerations हम में, ये संवेदनशीलता जो कम हो रही है, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट इज वेरी सीरियस एंड हैज टू बी addressed right from our side. Because ये मुझे नहीं लगता अचानक से आई है हमारे समाज में. ये होते होते हो गया. एंड वी वर यू नो म्यूट स्पेक्टेटर्स हु स्टूड बाय एंड वॉच्ड दिस डिग्रेडेशन. एंड नाउ वी आर वंडरिंग अरे बाप रे इतना सब गड़बड़ हो गया इसको ठीक कैसे करेंगे. ठीक करना विल ऑल्सो टेक टाइम. दैट इज माई सब आई मीन इट्स लोगों में अनरेस्ट है. वी आर वेरी क्लियर ऑफ वॉट वी वॉन्ट. वी आर वेरी क्लियर ऑफ what my entitlement is, but am I clear of my capability? Am I clear about my what can I bring to the table? Meri contribution kya hai? Udhar mismatch. Exactly. और जब हम well-being और welfare की बात कर रहे हैं तो ये सब बातों को table पे लाना जरूरी है. That's my submission. Thank you. जी, बहुत सही कहा है और it's a great analysis. अब मैं यही सोचता हूँ कई बार कि कई बार तो मुझे ये लगता है मैडम कि कहीं हमारे देश के फंडामेंटल्स ही कहीं गड़बड़ा तो नहीं गए. हम एग्रीरियन कल्चर थे, एग्रीरियन कंट्री थी, लेकिन उसके फंडामेंटल्स को बदल कर हमने इंडस्ट्रियल बना दिया और उससे एक ऐसा हौच-पौच पिछले 70-75 सालों में पैदा हो गया कि हम ज़्यादा उलझ गए. जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी और जिस डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, वेलबींग की डायरेक्शन में होनी चाहिए थी डेवलपमेंट, वो वैसी ना होकर के एक्सप्लॉयटेटिव हो गई. तो मुझे लगता है कि एक इम्बैलेंस जो इकोनॉमिक वेलफेयर में आया है, और ये भी बात बड़ी जरूरी है कि इकोनॉमिक वेलफेयर डजंट मीन वेलबींग. बड़ा मकान तो दे सकते हैं लोगों को, लेकिन सेंस कैसे देंगे, दैट इज अवर मेन कंसर्न. हाउ टू क्रिएट अ सेंसिबल ह्यूमन बींग और सेंसिबल सिविल सोसाइटी. वो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोग अपने अपने राइट्स के बारे में तो दे आर कंसर्न, दे एक्सर्ट देयर राइट्स, लेकिन देश की प्रायोरिटी कहाँ है, ह्यूमैनिटी की प्रायोरिटी कहाँ है, ये एक बड़ी खतरनाक बात है. और मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें दोबारा से बात करनी चाहिए और इस सारे इशू को जिस तरह से आज हमने समझा है और जिस तरह से हमारी समझ बढ़ी है, डायमेंशन जो है वाइडर भी हुए हैं परसेप्शन और गहरी भी हुई है, तो दोनों ही तरीके से आज का मुझे लगता है कि ये बातचीत बहुत सुखद रही है, बहुत मीनिंगफुल रही है. और उसके लिए मुझे लगता है कि आज के दोनों स्पीकर्स का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि दे हैव गिवन अ वेरी एनलाइटनिंग टॉक. एंड मदान साहब कुछ और कहना चाह रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच इस कल्चर को इम्प्रूव करवाइए. जो हमारे शिक्षक गालियां दे रहे हैं वुमन के नाम पे, दलित के नाम पे, इसको इम्प्रूव करवाइए प्लीज. चलिए देखते हैं, लेट्स सी. तो नाउ आई इनवाइट डॉक्टर कामनी खन्ना टू प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स. थैंक यू आशुतोष सर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक
our heartiest vote of thanks to our valuable speaker, Professor Aparna Negi and Dr. Jharna Pandya for gracing today's national webinar on concept of well-being in 21st centuries issues and challenges. Thank you for your very interesting and thought-provoking suggestion. I'm sure that all the participants have taken a note of your suggestion and will be discussing with their organizations the action to be initiated at their level. From today's discussion, we conclude that pendulum of healthcare expenditure should be rebalanced from sick care to overall healthcare, investing in wellness and empowering people to take ownership of their well-being, that is personal education, environment, lifestyle, and thinking with positivity. Thanks once again on behalf of GNMS College Mumbai and ST College of Ambala to the speaker for giving their valuable time for today's national webinar. Thanks once again to everyone, and thanks participation also. Thank you. Thank you, Dr. Kamini. Or before we depart, before we leave this meeting, अगर किसी ने अपना फॉर्म नहीं भरा है, हमने लिंक शेयर कर दिया था, तो प्लीज उसको फिलअप कर दीजिए. आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा. एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. इट वाज ग्रेट लिसनिंग टू यू. थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. और आपने एक्चुअली यू कॉन्टेक्टेड द राइट पर्सन. आई कैन नेवर से नो टू कामिनी. मिलने का मौका हो गया. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक्स एवरीवन. ओके लीव द मीटिंग नाउ. आशुतोष आप इस भेज दो, लिंक भेज दो. इसमें है नहीं, उठ गया. चैट बॉक्स में दोबारा शेयर कर रहा हूँ. हाँ जी दोबारा शेयर कर रहा हूँ. प्लीज उसको आप लोग. थैंक यू ऑल. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू कामिनी जी. ओके ओके सर. थैंक यू. मैंने शेयर कर दिया, लिंक शेयर कर दिया. प्लीज ओके फिल अप कर दीजिए, तो आप लोगों तक सर्टिफिकेट आ जाएगा. ठीक है डॉक्टर कामिनी. हाउ वाज इट सर? या थैंक यू. या इट्स अ वेरी गुड. इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आल्सो. एवरी टाइम इट्स विद यू, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस सर. थैंक यू सो मच. इकोनॉमिक्स वालों को संस्कृत वालों से बात करनी चाहिए, और संस्कृत वालों को भी थोड़ी सी इकोनॉमिक्स वालों से करनी चाहिए. वो भी सुनते नहीं है जल्दी. बट एनीवे स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर मदान सर आल्सो इन अ वेरी शॉर्ट नोटिस. थैंक यू सो मच आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. इट्स अ गुड टू सी यू सर. थैंक यू. दिस काइंड ऑफ वेबिनार इंटरेक्ट विद ईच अदर, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. थैंक यू सो मच. ओके थैंक यू एवरीवन वंस अगेन.